हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय किचन शालूज लव बुक। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ फिर से एक व्रत की रेसिपी जिसका नाम है समा के चावल की खिचड़ी। इस रेसिपी को बनाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी रेसिपीज आप सबसे पहले देख सकें और बिल्कुल भी मिस ना करें। आइए शुरू करते हैं इसको बनाना। ये देखिए, इसको बनाने के लिए हमने एक कप के करीब समा के चावल लिए हैं। इसके अलावा हमें चाहिए एक मीडियम साइज का आलू जिसको हमने बिल्कुल छोटा छोटा काट लिया है। एक चौथाई कप के करीब हमें चाहिए मूंगफली। अगर आप जानना चाहते हैं कैसे इसको परफेक्टली भूनते हैं बिना जले हुए तो आप मेरा मुरमुरा नमकीन का वीडियो देख सकते हैं जो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है उसका लिंक। इसके अलावा इसमें डालने के लिए हमें चाहिए आधी चम्मच के करीब हमें चाहिए जीरा। स्वाद अनुसार हमें चाहिए सेंधा नमक। दो हरी मिर्च हमने लिए जिसको हमने बारीक काट लिया है। चलिए अब हम इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए देखिए, कढ़ाई में मैंने घी ले लिया है। घी आप थोड़ा सा ज्यादा क्वांटिटी में ले तभी ये खिचड़ी अच्छी लगती है। तो ये देखिए, इसमें मैंने जीरा डाल दिया है। जीरा जब हमारा चटकने लगेगा तब इसमें हम हरी मिर्च डाल देंगे। अब मैंने जो चावल लिए थे एक कप, उसको मैंने धो लिया है। ये देखिए, चलनी में मैंने इसको डाल दिया है ताकि जो इसका एक्सेस वाटर है वो ड्रेन हो जाए। अब हम इसको इस अपने जो तड़का है उसमें डाल देंगे। इसमें डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और लगभग इसको हम 30 सेकंड तक भूनेंगे। तो ये देखिए, इसको लगातार चलाते हुए मैंने इसको 30 सेकंड तक भून लिया है। इससे क्या होगा, इसका जो कच्चापन है चावल का वो निकल जाएगा और ये खिचड़ी और भी ज्यादा टेस्टी बनेगी। ये देखिए, आप देख सकते हैं 30 सेकंड तक भूनने के बाद इसके जो दाने हैं वो थोड़ा सा फूल गया है, काफी खिली खिली सी ऑलरेडी ये लग रही है। अब इसमें हम 4 कप के करीब पानी डाल देंगे। मैंने यहाँ पर 1 कप चावल लिया है तो हम इसमें 4 कप पानी डालेंगे। ये देखिए, नमक भी मैं इसमें डाल रही हूँ। नमक डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसको अब हम 5 मिनट तक ढक करके बिल्कुल स्लो फ्लेम पर पकने के लिए छोड़ देंगे। ये देखिए, मैंने इसको ढक दिया है। 5 मिनट के लिए हम इसको बिल्कुल ऐसे ही छोड़ देंगे। 5 मिनट के बाद जब हम इसको खोलेंगे तो ये थोड़ी थोड़ी फूल जाएगी, पूरी तरीके से ये अभी भी नहीं पकेगी। तो ये देखिए, इसमें मैं काली मिर्च डाल रही हूँ, तो स्वाद के अनुसार आप इसमें काली मिर्च डाल दें अगर आप काली मिर्च नहीं डालना चाहते हैं। और अगर आप व्रत में लाल मिर्च खाते हैं तो आप वो भी डाल सकते हैं, डिपेंड करता है जो भी सब्जियाँ आप व्रत में खाते हों, जो भी मसाले आप व्रत में खाते हों, उस हिसाब से आप इसमें अपनी सब्जियाँ और मसाले बढ़ा सकते हैं। तो ये देखिए, इसको हम मिक्स कर लेंगे। अगर आपको पानी कम लग रहा हो तो थोड़ा सा पानी आप और डाल सकते हैं। ये यहाँ पर मैंने 1/4 कप पानी इसमें और डाला है ताकि जो दाना है अच्छे से चावल का फूल जाए। ये देखिए, अब मैंने इसमें भुनी हुई मूंगफली और आलू मैंने तल कर रखे हैं। जो मैंने छोटे छोटे टुकड़ों में आलू लिए थे उसको मैंने तल लिया था, वो मैंने इसमें डाल दिए हैं। अच्छे से हम इसको मिक्स करेंगे और फिर से हम इसको ढक करके 5 मिनट तक पकाएंगे। 5 मिनट के बाद आप देखेंगे कि आपकी जो खिचड़ी है वो बिल्कुल खिली खिली इस तरह से बनेगी। तो आप इसको अपने व्रत में एंजॉय करें। मुझे पूरी उम्मीद है आपको मेरी ये रेसिपी जरूर पसंद आएगी। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।